सबसे पहले तो आप समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक सैनिक पृष्ठभूमि से आते हैं, क्या सेना के दावपेच राजनीति में काम आते हैं? बिल्कुल आते हैं। सेना के बीच में ही दिखाया जाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में कैसे काम करना है और उसको कैसे सफलता हासिल करनी है, ये सेना के बीच में ही सिखाया जाता है। और सेना के बीच में भी रहते हुए मैंने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया और उसके बीच में मुझे जो हमारे राष्ट्रपति थे उनकी तरफ से गैलेंट्री अवार्ड सेना मेडल मिला है। तो फौज से जब मैं पेंशन आया तो एक मेडल लेके आया और अब आने के बाद जब मैं जनता के बीच में जुड़ा, सुजानपुर की जनता के बीच में, तो उनके दिलों से और उनकी भावनाओं से जुड़ गया और पूर्व सैनिकों से जुड़ा, सब लोगों से जुड़ा, उनके हर सुख और दुख में जाता रहा और आता रहा और इस बार सिविल में भी मुझे सेना मेडल मिल गया। आपने सिविल के सेना मेडल की बात कही, जब आपने पिछली बार भाजपा से चुनाव लड़ा था, इस बार आपके विषय में एक बड़ी रोचक बात किसी ने बताई। किसी ने कहा कि कैप्टन रणजीत सिंह राणा पाला बदल नहीं सकते थे, उनसे उन्हीं के कुछ खास लोगों ने पाला बदलवाया था। कांग्रेस में आने की क्या कहानी थी आपकी? ऐसा कुछ नहीं, फौज में हमने सीख के आए थे कि जैसी परिस्थिति आती है, आंधी आए, तूफान आए, तो उसमें भी लड़ाई लड़ना पड़ती है और जब पीस होता है, जब कोई बारिश नहीं होती है, तब भी लड़ना पड़ता है। तो ये तो परिस्थिति ऐसे बनी मेरे लिए कि मुझे इसके लिए और लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी सुजानपुर की, इसलिए मैं ये फैसला लिया और उस परिस्थिति को मैंने हंसते हुए कबूल भी किया और वहां से जीत भी हासिल की। इस बार आपके विषय में एक चर्चा हो रही थी जब आप चुनाव लड़ रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि जिन नेताओं ने आपको पिछली बार सुजानपुर से चुनाव लड़वाया था, इस बार वही नेता चाहते थे कि आपके कांग्रेस के टिकट से भी आप चुनाव जीतें। यही कारण था कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल हों, अनुराग सिंह ठाकुर हों, उनसे भी हमने सवाल किया था, लोग कहते थे धूमल परिवार का पूरा पूरा आशीर्वाद इस बार राजेंद्र राणा के साथ नहीं कैप्टन राणा के साथ था। आप भी ऐसा मानते हैं? ऐसे है कि वो बहुत बड़े नेता हैं और उनके पास आके ही मैंने राजनीति में प्रवेश किया है। वो दो बार के मुख्यमंत्री हैं, उनके पहुँच छूने से ही आशीर्वाद मिल जाता है। तो ऐसी तो कोई चर्चा थी नहीं। चर्चा लोगों के बीच में जरूर होगी कि जनता दिल से मेरे साथ जुड़ी हुई थी, जनता ने क्या किया क्या नहीं किया वो किसी को नहीं बताती है, वो तो जब ईवीएम में सब कैद हो जाता है उसके बाद जब रिजल्ट निकलता है उसके बाद ही बताती है, चाहे उसका कद जितना मर्जी बड़ा हो। मतलब आप मानते हैं कि धूमल परिवार का आशीर्वाद आपके साथ था? पहले भी मेरे ऊपर जो था, जब वो राजनीति मैंने शुरू की उस टाइम था मेरे साथ। अभी तो मैं अलग पार्टी से लड़ रहा था, जो मेरा प्रतिद्वंदी था वो दूसरी पार्टी से लड़ रहा था, तो अभी तो आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं थी। एक किस्सा आता है, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का जन्मदिन था और राजेंद्र राणा भाजपा में जा चुके थे और आप उनके जन्मदिवस पर शुभकामनाएं देने और आशीर्वाद लेने समीरपुर गए थे, क्या प्रेम कुमार धूमल ने आपसे किसी चीज़ का जिक्र किया था कि आप पार्टी छोड़कर कांग्रेस में नहीं जाना? मैंने तो उनको वहाँ पे बुक्के दिया और उनके पहुँच हुए और आशीर्वाद लिया और वापस आ गए। मेरी तो ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं वहाँ पे कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। फौजी आदमी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कहाँ जाना है कहाँ नहीं, वो हर मुश्किल को कैसे पार करना है उसके बारे में हर समय हमारे दिमाग में वो चीज़ चली रहती है। और हमें सिखाया भी गया था शुरू से कि जैसे परिस्थिति आती है वैसे बदली होंगे तो उस मिशन में पक्का कामयाब होंगे, तो हमने परिस्थिति को देखते हुए बदलाव किया, बदली पार्टी और वहाँ पे हमने जीत भी हासिल की। ये सारा सहयोग जो है मुख्यमंत्री अपने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जो दोनों हाथों से मेरे ऊपर आशीर्वाद था और सुजानपुर की जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर था, इसलिए वो सारे जो कदावर थे वो सब फेल हो गए। जब आप चुनाव लड़ रहे थे, आपके विषय में एक बात आती है कि मीडिया वालों से आपको बातचीत करने से मना किया गया था चुनावों के दौरान, आपको किसने मना किया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मीडिया से मैं बातचीत करता था लेकिन मैं एक छोटा कार्यकर्ता था, मैं मीडिया वाले में क्या जा सकता था। मेरे को अपने विधानसभा क्षेत्र के बीच में जा करके मैं लोगों से मिल रहा था, अपने लिए वोट मांग रहा था, क्योंकि मैं बड़ा छोटा नेता था इसलिए मैं ज़्यादा हाईलाइट में नहीं होना चाहता था मीडिया के बीच में। इस बार मुख्यमंत्री ने एक नारा दिया था कि धनबल हारेगा जनबल जीतेगा, कि आपको मुख्यमंत्री की इन चीज़ों का लाभ मिला है? क्योंकि अगर सरकार की बात की जाए तो महिलाओं को अभी तक 1500 रुपया मिला नहीं है, किसान इंतजार कर रहे हैं गोबर कब बिकेगा, किसान ये भी इंतजार कर रहे हैं कि सरकार दूध कब खरीदेगी, इन परिस्थितियों के बावजूद आप चुनाव जीते हैं, भविष्य में चुनौतियाँ तो आपके लिए भी हैं? ऐसे कुछ नहीं था, OPS मिलना शुरू हो गया है, उसके बाद 1500 रुपया भी जिन्होंने पहले फार्म भरे थे उनको मिलना शुरू हो गया है। ये तो बीच में आचार संहिता के बीच में दूसरी पार्टी ने ही जाके कोर्ट में खड़े हो गए इलेक्शन कमीशन के पास, इसलिए वो रुक गया था। अभी वो चालू हो गई ये प्रक्रिया और उसके बीच में शुरू है और मिलेगी 101% मिलेगी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का मेरे ऊपर आशीर्वाद था इसलिए ये कामयाबी मिलना तो जरूरी थी। भाजपा से कांग्रेस में आए कैप्टन रणजीत सिंह राणा, भाजपा में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते थे? आप कांग्रेस का हिस्सा है, कांग्रेस में ज़्यादा? वो मैं एक फौजी आदमी हूँ, मैं सब जगह एडजस्ट कर लेता हूँ अपने आप को। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से करीबियाँ कुछ बनी या करीबियाँ अभी भी धूमल परिवार के साथ ही हैं? सबके साथ हैं। चलिए, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।